खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी से ही है। रामगंज थाना इलाके में एक 10 साल के बच्चे को चाइनीज मांझा की चरखी ले जाते हुए पकड़ा गया। बच्चे से पूछताछ में सामने आया कि दाता रामगढ़ से चाइनीज मांझा जयपुर लाया था। सूचना पर एक टीम को दाता रामगढ़ भेजा गया। वहीं पर कोटे में चाइनीज मांझा होने की संभावना के चलते थाना अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 300 से ज्यादा दुकानों पर पुलिस टीम ने पहुंचकर तलाशी ली। पुलिस ने करीब 3 चरखे चाइनीज मांझे के बरामद किए और इस मौके पर थाना अधिकारी रामगंज से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने। जयपुर शहर के रामगंज इलाके में एक 10 वर्षीय बालक को खुद पुलिस ने चाइनीज मांझा लाते हुए देखा। उसके बाद में उसकी सूचना पर उसको दाता रामगढ़ ले जाया गया, जहां से बड़ी मात्रा के अंदर मौत की डोर यानी कि चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। जब ये बात सामने आई कि जयपुर शहर के अंदर बड़ी मात्रा चाइनीज मांझा की आई हुई है, तो खुद रामगंज थाना अधिकारी बीएल मीणा खुद पहुंचे हैं फील्ड के अंदर। हर दुकान को चेक किया जा रहा है, हर मांझे को चेक किया जा रहा है। सर, सूचना आई थी 10 वर्षीय बालक से, क्या सूचना मिली, क्या कार्रवाई की जाए? हाँ, एक बालक था, वो दाता रामगढ़ का ही था, जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जयपुर पहुंचा है और उसके पास जो मांझा मिला है, एक गट्टा मिला है जो चाइनीज मांझा था, और उसे प्यार से बुला करके थाने पूछताछ की तो बताया कि दातारामगढ़ से ये मैंने खरीदा था और 200 से 300 रुपए में एक गट्टा दे रहा है। इसकी सूचना हमने अपने सोर्स से दातारामगढ़ थाना प्रभारी को दी और वहां पे लगभग एक दर्जन चाइनीज मांझा के गट्टे पकड़े गए हैं और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। सूचना ये भी है कि जो चाइनीज मांझा जयपुर शहर भी आया हुआ है उसमें आप दबिश देने लगा था। हाँ, ये सूचना काफी दिनों से आ रही है कि सीकर से कई जगह से फतेहपुर से या दादारामगढ़ से आने की सूचना थी। अब इसमें हम रेगुलर पिछले 3-4 दिन से रेगुलर पतंग बाजार में दबिश दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लोगों से समझाइश भी कर रहे हैं और जो यहाँ कमेटी बनी हुई है पतंग वालों की, उनसे भी हमारा रेगुलर संपर्क है। चाइनीज मांझा किसी भी सूरत में नहीं बिकेगा। क्या पहचान होती है चाइनीज मांझा, किस प्रकार से पहचान लो? चाइनीज मांझा बिल्कुल टाइट होता है, उसपे बिल्कुल आदमी तोड़ना चाहे तो टूट भी नहीं सकता, वो इतना खतरनाक होता है। जैसे उसपे कोई लोहे जैसा लगता है, उसपे करंट भी आ सकता है बिजली का, या पता ही नहीं लगता आदमी को कब उसके गर्दन पे कट लग जाए। तो ऐसी सूरत में हेलमेट लगा के चलें, मकर संक्रांति में बच्चों को आगे इसमें मोटरसाइकिल पे नहीं बिठाएं और बाइक पे चलने वाले सभी बिना हेलमेट नहीं चलें। सर, आपके इलाके में सर्वाधिक दुकानें पतंगों की और करीबन 60 दुकानें आप चेक कर चुके हैं, क्या पूरी रात चलेंगे अभी अनाज? हाँ, ये पूरी चार हमने जब तक कल तक ये सर्वे चलता रहेगा और हमारे जो सिविल में सादा वस्तेदारी कांस्टेबल लगे हुए हैं जो इस बात की सर्च कर रहे हैं कि सीकर से किस किस के पास माल आ रहा है, और हम अगर ऐसी मिलती है सूचना तो कार्रवाई की जाएगी। तो जयपुर शहर के अंदर चाइनीज मांझा आ चुका है, बड़ी मात्रा बड़ी खेप आ चुकी है, उसको देखते हुए रामगंज जोरी बाजार और माणक चौक इलाके के अंदर कोशिश की जा रही है कि वहां पर दबिश देखे उन जो दुकानदार है जो चाइनीज मांझा यानी कि मौत की डोर को बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके। उम्मीद करते हैं जयपुर शहर को जो चाइनीज मांझा जयपुर शहर के अंदर आया हुआ है वो पुलिस को जल्दी मिल जाए, जिससे कि मकर संक्रांति को रंग में भंग ना पड़ सके। मेरे साथी सोहन मीणा के साथ सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। स्वामी विवेकानंद की 197वीं